जस्ट आरती की माँ कैसी है? तो वो अब काफी ठीक है, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, थैंक गॉड। वैसे थोड़ी देर के लिए तो हमें लगा था जैसे सब कुछ हाथ से ही निकल जाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली उनका बेटा आज यहाँ आ गया। उनका बेटा यानी आरती का भाई? जी हाँ। वो यहाँ आया चला गया? वो यहाँ आया, उसे देखकर ही वो शांत हुई है। वो कहाँ है, चले तो नहीं गए? नहीं नहीं, वो यही है। आपका नसीब अच्छा है कि आज आप उनसे मिलकर ही जाएंगे। वो कैंटीन गए हैं शायद अपनी माँ के लिए कुछ लेने के लिए। कैंटीन किस तरफ? उस तरफ। थैंक यू सिस्टर। दी कुछ खा लो, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया। दी अपने लिए नहीं तो जीजू की खातिर खा लीजिए, और फिर मुझे भी टेनिस प्रैक्टिस के लिए जाना है। आप खाना नहीं खाओगी तो मैं कैसे जा पाऊंगी? तू जा मंशा, अपनी प्रैक्टिस मत मिस कर। मुझे जब भूख लगेगी मैं खा लूंगी। पक्का प्रॉमिस ना दी? आई प्रॉमिस। खा लेना। सुनिए जी, आप ही उसे मनाइए, नहीं तो वो ऐसी भूखी प्यासी रहेगी। मेरी बात तो सुनेगी नहीं, आपकी सुनेगी। आप कहिए ना उससे। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कोई, और तुमने जो किया उसके लिए तो हमारी बेटी हमें कभी माफ नहीं करेगी। पर मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर उसे अपनी शक्ल दिखाऊं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। सुजाता, बेटा थोड़ा सा खा लो। नहीं पापा, आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं अपने घर जाकर ही कुछ खाऊंगी। और ये मैं आपका अपमान करने के लिए नहीं कह रही हूं, बल्कि अपने पति का सम्मान करने के लिए कह रही हूं। अब आप ही बताइए, मैं वहां का अंजन कैसे ग्रहण कर सकती हूँ जहां मेरे पति का इतना अपमान हुआ? हाँ पापा, अब जब राघव अपने खुद के घर, चाहे वो झोपड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन अपने घर में अपने हाथों से कुछ नहीं खिलाता, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। पापा आप प्लीज बुरा मत मानिए और मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड।
मुझे आरती के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है। अरे मेरी बात तो सुनिए। आपको चोट तो नहीं लगी? राघव अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आए? उन्हें तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सुजाता बेटे, तुमने कल सारा दिन कुछ नहीं खाया और रात को भी कुछ नहीं खाया। बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, ऐसा कब तक चलेगा बेटे? नहीं पापा, जब तक राघव मुझे अपने साथ अपने घर नहीं ले जाता मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं। देखो बेटा, राघव के साथ जो कुछ भी इस घर में हुआ है मैं जानता हूँ, अच्छा नहीं हुआ है। बेटे भगवान पे भरोसा रखो और भगवान के उस बंदे पे भी जिसका हाथ तुमने थाम लिया है। पापा मुझे राघव पर पूरा भरोसा है, वो बहुत जल्द आकर मुझे यहाँ से ले जाएगा। सुजाता, सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, सपनों और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है घर ढूंढना एक दिन में, वो भी एक मामूली सेल्समैन के लिए? इस तरह क्या देख रही हो मुझे? मैं जो कह रही हूं ना वो एक सच है, और जितनी जल्दी तुम उसका सामना करो तुम्हारे लिए वो ही बेहतर है। जरूर राघव ही होगा।
चलो सुजाता अपने घर चलें। बस यही अरेंज कर पाया किसी तरह से। अगर इसे घर कह सको तो। अच्छा तो है, बल्कि बहुत अच्छा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद तुमने अपनी मेहनत से हमारे लिए घर ढूंढा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बस मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। साथ दूंगी ना। ऑफ कोर्स। अंदर चलें। I'm sorry सुजाता, मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर। फिक्र मत करो, साफ होने के बाद ये घर भी अच्छा लगेगा। हाँ लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगा, मैं तो लंच ब्रेक पे आया था और मुझे वापस जाना ही होगा। क्या तुम मेरे बगैर अकेली रह पाओगी? क्यों नहीं रह पाऊंगी? जब तुम मेरे लिए इतनी तकलीफें उठा सकते हो तो क्या मैं अपने ही घर में तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती? हम दोनों मिलकर अपने इस घर को
सपनों का महल बना देंगे। वहां पर होगी हमारी रसोई और यहाँ पर होगा हमारा डाइनिंग रूम एंड ये होगा हमारा ड्राइंग रूम। और हमारा बेडरूम अब आपको देनी हो रही है।